हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया। तो आपको अभी एक पेट्रोल पंप का आपको फोटो दिखा रहा है, जो पेट्रोल पंप भी आपको बहुत ही सुंदर है, बहुत ही देखने में अच्छा है। और मतलब जैसे ब्लू हिल डिफू बस के आसपास में एक पेट्रोल पंप है, जो कि मतलब रात भर आपको यहाँ सर्विस मिल सकता है। तो इसके लिए मतलब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों को मतलब पेट्रोल के कारण मतलब परेशानी ना हो, इसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो देख सकते हो जैसे ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ का आपको आसपास का भी नज़ारा आपको कुछ दिखा देते हैं। जैसे ये पेट्रोल पंप का आसपास का है, और आपको आगे भी ले जा के आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं एक बार और दिखा दूँ इसके आसपास में क्या है, और आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे देख सकते हैं ये पहले सबसे सस्ता सामान का शोरूम था, ये अभी बंद हो चुका है। अभी ऊपर में कुछ रूम्स वगैरह बन चुके हैं, और उसका नीचे में मोदी केयर स्टोर बन चुके हैं। तो इसके आसपास में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे SBI का कुछ शायद ATM वगैरह भी हो सकता है, या कुछ मतलब जैसे प्राइवेट बैंकिंग वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसके पास में एक होटल भी आपको दिखा रहा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया। तो आपको अभी एक होटल की पेट्रोल पंप का आपको फोटो दिखा रहा है, जो पेट्रोल पंप के सामने के अंदर है, बहुत ही देखने में अच्छा है। और मतलब जैसे ब्लू हिल होटल, ब्लू हिल काउंटर के ब्लू हिल डिपू बस के आसपास में एक पेट्रोल पंप है, जो कि मतलब रात भर आपको यहाँ सर्विस मिल सकता है। तो इसके लिए मतलब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों को अभी लेकर चल रहे हैं आपको वही पेट्रोल पंप है, जो पेट्रोल पंप मतलब आपको ब्लॉग बना रहा हूँ। जैसे ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ का आपको आसपास का भी नज़ारा आपको कुछ दिखा देते हैं। जैसे ये पेट्रोल पंप का आसपास का है, और आपको आगे भी ले जाकर आपके दिखाएंगे। तो चलिए मैं एक बार और दिखा दूँ, इसके आसपास मिल जाए और आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इसके आसपास का ही मैं आपको कुछ नज़र जैसे देख सकते हैं, ये पहले सबसे सस्ता सामान का ब्लॉक्स नहीं बनाया, शोरूम था, अभी बंद हो चुका है। अभी ऊपर में कुछ रूम्स वगैरह बन चुके हैं, और उसका नीचे में मोदी केयर स्टोर बन चुके हैं। तो इसके आसपास में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे SBI का कुछ शायद ATM वगैरह भी हो सकता है, या कुछ मतलब जैसे प्राइवेट बैंकिंग वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसके पास में एक होटल भी आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ इसके सामने में एक होटल भी है। जैसे देख सकते हैं पेट्रोल पंप बहुत ही क्लीन है, और आपको देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। तो अभी लेके चलते हैं आपको वही पेट्रोल पंप है, जो पेट्रोल पंप है मतलब आपको इसलिए बना रहा हूँ, जैसे पेन को रात को पेट्रोल वगैरह नहीं मिलते, इसके लिए मैं बॉक्स बना के आपको दिखा रहा हूँ। पेट्रोल पंप बहुत ही सुंदर है। सबसे सस्ते का शोरूम जो था, अभी फिलहाल मतलब उसमें क्वार्टर रूम बन गया, जैसे रूम बन गया फुल नाइट। आपको इसके आसपास का ही मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज कोई दूसरा ब्लॉग्स नहीं बनाया, इसके लिए मैं आपको ये ब्लॉग बना के दिखा रहा हूँ। ये ब्लू हिल डिपू बस स्टैंड के राइट साइड में है, देख सकते हैं। आपको पीछे की तरफ से आपको आगे का दिखा रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है गुलाघाट रोड में है, और डिपू बस स्टैंड के सामने है, जो कि मोदी केयर स्टोर के अपोजिट साइड में होटल पाई के अपोजिट साइड में देख सकते हैं। और आप यहाँ आने से आपको खुद का कुछ मालूम पड़ जाएगा। जैसे देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप बहुत ही क्लीन है, और आपको देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड को रात को पेट्रोल वगैरह नहीं मिलते, इसके लिए मैं ये ब्लॉग बना करके दिखा रहा हूँ। पेट्रोल पंप भी बहुत ही सुंदर है, ये हम देख सकते हैं इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और ये रात को फुल नाइट आपको जैसे पेट्रोल के लिए आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं ब्लॉग बना करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है भारत पेट्रोल पंप, ऐसे कोई खास नाम तो नहीं लिखे हुए, देख सकते लगा डॉट ज्वेल बस स्टैंड के यहाँ पे सारे चीज़ का सुविधा है, जैसे यहाँ पे जनरेटर वगैरह भी रखे हुए, क्योंकि रात को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जैसे बहुत सारे दोस्तों को मुझे पेट्रोल नहीं मिलता है, इसके लिए मैं ये ब्लॉक बना के आपको खिला रहे हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है, मतलब जैसे गुलाघाट रोड के ठीक गुलाघाट रोड पे ही है राइट साइड में, जिसमें मतलब मोदी केयर स्टोर है, इसके अपोजिट साइड में है होटल यूरोपा इन के अपोजिट साइड में देख सकते हैं।
और आप यहाँ आने से आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। जैसे देख सकते हैं ये स्टेट बैंक का ऑफिस है। यहाँ पे हवा का भी सुविधा अच्छा है, कभी भी रात को अगर कुछ परेशानी हो जाती है तो मतलब हवा भी ले सकते हैं और पेट्रोल के लिए कोई परेशानी ना, उसके लिए मैं एक ऑफ बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ये भारत पेट्रोल पा चुके हैं, जैसे कोई खाना तेल का लिखे हुए देख सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैं एक बॉक्स बना रहा। यहाँ पे सारे चीज़ का सुविधा है, जैसे यहाँ पे जनरेटर वगैरह भी रखने के लिए परेशानी होता है, क्योंकि रात को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जैसे बहुत सारे दोस्तों को मुझे पेट्रोल नहीं मिलता है, इसके लिए मैं परेशान बॉक्स बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये रात भर खुला रहेगा, जैसे मेरा कोई चेंज को कुछ तकलीफ, देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है। मतलब जैसे गुलाघाट रोड के ठीक गुलाघाट रोड पे ही है, राइट साइड में, जिसमें मतलब ऑपोजिट में मोदी केयर स्टोर है, इसके ठीक ऑपोजिट साइड में है। देख सकते हैं मैं उसको थोड़ा पीछे करके पूरा पेट्रोल पंप का फोटो दिखा रहा हूँ। हवा का भी सुविधा अच्छा है, कभी भी रात को अगर कुछ परेशानी हो जाती है तो मतलब हवा भी ले सकते हैं और पेट्रोल के लिए कोई परेशानी ना, उसके लिए मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। जिससे ये पेट्रोल पंप है आप देख पा रहे हैं, अगर जैसे देख सकते हैं अभी रात को साढ़े दो अलग बल सामने में हो चुके हैं, तो यहाँ तेल भर रहे हैं। मांझा दीपी जाने वाला बस स्टैंड के सामने मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मेरे ब्लॉक बना रहा मस्त है, लेकिन क्योंकि अंदर लगे सारे लोगों से मतलब बहुत अच्छा लगा। पेट्रोल के कारण बहुत परेशानी हो जाता है, जैसे सभी इमरजेंसी में कहीं निकलना हो तो मतलब पेट्रोल वगैरह नहीं मिलता, इसके लिए बहुत परेशानी हो जाता है। ये ब्लॉक रूम बना के फिलहाल बन चुके हैं, तकलीफ ना हो पेट्रोल के लिए। अंदर पे मोदी केयर स्टोर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया खास है मोदी केयर स्टोर, और यहाँ पे आपको अपोजिट में होटल यूरोपा इन है, आप देख सकते हैं। और आगे का हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि अंधेरा सा है, इसके लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं फिर वापस ये पेट्रोल पंप के सामने में जाकर मैं आपको ये वीडियो समाप्त करता हूँ। देख सकते हैं मैं उसको थोड़ा पीछे करके पूरा पेट्रोल पंप का फोटो दिखा रहा हूँ आपको। तो आज का ये पेट्रोल पंप का मतलब खबर सुन के आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और आप लोग को कभी परेशानी हो ना हो पेट्रोल के लिए, जिससे के लिए मैं आप लोगों को सुविधा के लिए रात को 10 बजे आके वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मैं अगर लोग मतलब मेरा वीडियो बन रही है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे को देखने का मौका दीजिए, जिसको मतलब कोई भी इंसान को मतलब ये पेट्रोल पेट्रोल के लिए प्रॉब्लम ना हो, अंदर लग रहा है मुझे तो बहुत ही वीडियो ये समाप्त कर रहा हूँ। और जैसे देख सकते हैं।